बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से है जहां पर पत्रकार को गोली मारी गई है। पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मारी गई है। बता दें कि विक्रम जोशी के सिर में गोली लगी है और हालत फिलहाल गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो दूसरे आरोपी भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे, ये कहना है पुलिस का। बता दें कि पत्रकार ने थाने में तहरीर दी थी, भांजी से छेड़खानी करने वालों के खिलाफ तहरीर दी गई थी। अब पीड़ित पत्रकार की हालत बेहद नाजुक है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पत्रकार पर बदमाशों ने गोली चलाई है। छेड़खानी का विरोध यहां पर किया गया था और इसी के बाद पत्रकार पर गोली चलाई गई। कहा जा रहा है कि सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और स्थिति अभी बेहद ही गंभीर। तो तहरीर दी गई थी पुलिस में पत्रकार के जरिए कि परेशान किया जा रहा है, छेड़खानी यहां पर की गई है उनकी भांजी के साथ। और इसी को लेकर जब उन्होंने तहरीर दी तो पीड़ित पत्रकार पर हमला किया गया है, पत्रकार पर यह हमला। और सीसीटीवी में किस तरह से आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें कैद हुई हैं। तो बदमाश जो इनकी दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ताजा मामला गाजियाबाद का, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो हौसले बुलंद हैं गाजियाबाद में, जहां एक पत्रकार को गोली मारी गई है। 2 दिन पहले कहा जा रहा है कि थाने में इन्होंने तहरीर दी थी भांजी से छेड़खानी के मामले को लेकर, और बदमाशों के हौसले टूटे नहीं, उनके बुलंद रहे। और फिर पत्रकार की जमकर पिटाई की गई, गोली मारी गई उन्हें, और सिर पर कहा जा रहा है कि गोली मारी गई है। स्थिति अभी बेहद गंभीर। अभी मैं जानता नहीं किसी को अभी कौन जाए वो लड़के। उन्होंने एक साथ झुंड मारा घेरा था डबल टंकी के पास, लाल की दुकान के सामने हलवाई की। अच्छा, हाल की क्यों मारी गोली? हमारी भांजी है, उसकी कमेंट्स करते थे लोग, सबने विरोध करा। उस चक्कर में वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन दी विजयनगर थाने के अंदर, देने के बाद फिर 2-3 दिन के बाद गोली मार दी। ये आदमी मैं जानता नहीं किसी को अभी कौन जाए वो लड़के। उन्होंने एक साथ झुंड मारा घेरा था डबल टंकी के पास, लाल की दुकान के सामने हलवाई की। अच्छा, हाल की क्यों मारी गोली? हमारी भांजी है, उसकी कमेंट्स करते थे लोग, सबने विरोध करा। उस चक्कर में वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन दी विजयनगर थाने। आज रात्रि में लगभग 10:30 बजे के आसपास थाना क्षेत्र विजय नगर में घटना हुई थी, जिसमें कि गन शॉट से विक्रम जोशी घायल हुए थे गंभीर अवस्था में, उनको एडमिट कराया गया है। परिवारीजनों की तहरीर पर 3 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और उन्हीं में से एक जो मुख्य अभियुक्त रवि, उसको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। जो अभियुक्त शेष है उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुई है, शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार कर कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। श्री अनिकेत जोशी ने अवगत कराया कि इनके पत्रकार भाई विक्रम जोशी जो गाजियाबाद की दैनिक जनसागर टुडे के लिए कार्य करते हैं, कल जब ये अपनी बहन के घर से लौट रहे थे माता कॉलोनी क्षेत्र में, तो वहां पर हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल कर किया है। इस सूचना पर हम सभी अधिकारी अस्पताल पहुँचे और वहाँ पर टीमें लगा करके साक्ष्य जुटाना शुरू किया है। ये फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है, वहाँ पर चिकित्सकों की टीम इनका उपचार कर रही है। जो साक्ष्य जुटाए गए उसके आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोहित, दलवीर, आकाश, रवि और शाकिर हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इनके बयानों से जो कुछ और नाम और तथ्य प्रकाश में आए हैं, उसके लिए विवेचनाएँ और धरपकड़ जारी है। और अनिल चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिल, ये समझा जा रहा था कि शायद बदमाशों में पुलिस का खौफ अब बढ़ गया है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये जिस तरह से घटना सामने आई है, और कहीं ना कहीं इसमें भी हम क्या कहें कि पुलिस की लापरवाही है, क्योंकि 2 दिन महज पहले कहा जा रहा था कि तहरीर दी गई थी, उस वक्त क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही गाजियाबाद पुलिस की इसमें सामने आई है। इस केस में 2 दिन पहले ही जो परिवार है उसने, विक्रम जोशी ने खुद शिकायत थाने में दी थी और खुद एसएसपी को दी थी। इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उस एप्लीकेशन में साफ तौर पर लिखा भी था कि जो मेरी भांजी है उसको छेड़ा जा रहा है और साथ ही मुझे मेरी जान का खतरा है।
तो क्या पुलिस को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? पुलिस की लापरवाही सरासर इसमें सामने आई है। और दो आज बीती रात को जब ये अपने दो बच्चों को लेकर मार्केट जा रहे थे, तभी विक्रम जोशी को रोका गया। तीन चार बदमाश थे, सीसीटीवी में भी साफ दिख रहा है किस तरीके से उनको रोका गया और फिर गाड़ी के साइड में ले जाकर उनको काफी पीटा गया। उसके बाद में सताकर उनके दिमाग में एक गोली मार दी गई, जो हालांकि उनको अभी जो है निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया। हालत उनकी काफी क्रिटिकल जो है अभी चल रही है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने आनन फानन में पांच लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है। इस गिरफ्तारी को यदि वो दो दिन पहले ही कर लेते तो कहीं ना कहीं पत्रकार पे आज जो हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं बच सकता था। और अनिल, देखा जाए तो हाल में जिस तरह का कानपुर कांड सामने आया, बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं, अब पत्रकारों को भी अपना यहाँ पर निशाना इनके जरिए बनाया जा रहा है। सवाल यही कि आखिरकार वक्त पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई और ये दुस्साहस कैसे हुआ बदमाशों के जरिए कि उन्होंने दो दिन पहले जो तहरीर दी थी उससे खुन्नस खाकर विक्रम जोशी पर ही हमला कर दिया। अभी पुलिस का क्या कहना है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या सभी बदमाशों को पकड़ लिया गया है? देखिए, एसएसपी से जब हमारी बात हुई तो एसएसपी का ये कहना है कि पांच लोगों की गिरफ्तारी उन्होंने अभी की है। टीम गठित कर दी थी, रात ही जब ये हमला हुआ विक्रम जोशी तड़पते रहे, सीसीटीवी में देखा गया कैसे उनकी बच्ची जो है मदद मांग रही थी, पर जो आम लोग कोई भी मदद के लिए नहीं आया। उसके बाद में पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और टीम गठित कर दी जाती है। एसएसपी खुद वहां मौके पर पहुंचे थे अस्पताल में, उनसे पूछताछ की। पूछताछ में जो जो आरोपी उन्होंने बताए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भी भेजा जा रहा है। पांच लोगों को जेल भेजा जा चुका है और कुछ जो शेष जो लोग बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी पुलिस करने की बात कर रही है। बिल्कुल, लेकिन अनिल दो चीजें, पहला कि अभी विक्रम जोशी की स्थिति क्या है और जो लापरवाही पुलिस के जरिए बरती गई है क्या अब उन पर कार्रवाई होगी, क्या उन पर गाज गिर सकती है आने वाले वक्त में? देखिए, जब एसएसपी से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो भी यदि किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा भी लापरवाही की गई होगी, हालांकि लापरवाही इसमें साफ तौर पर दिख रही है क्योंकि दो दिन पहले ही जब एप्लीकेशन विक्रम जोशी पत्रकार द्वारा दी जाती है उसके बावजूद भी पुलिस नहीं जागती है। पुलिस यदि दो दिन पहले ही इस कार्रवाई को कर देती तो कहीं ना कहीं ये जो आज इतनी बड़ी घटना हुई है रात को तो ये नहीं होती। हालांकि जो विक्रम जोशी हैं पत्रकार, वो अभी उनकी हालत जो है, जब हमने डॉक्टरों से बात की तो उनकी हालत अभी क्रिटिकल बताई गई है, वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। जी जी, चलिए, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल।